पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल का मुरादाबाद दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। इसी कड़ी में मुरादाबाद जिला जेल के औचक निरीक्षण के लिए डीआईजी जेल लव कुमार आज मुरादाबाद पहुंचे और जेल के बैरिकों में घूमकर बारीकी से बंदियों की समस्याओं के विषय में जानकारी ली। बंदियों के बढ़ते भार से हांफ रही मुरादाबाद जिला जेल क्षमता से अधिक कई गुना बंदियों के होने से कई तरह की परेशानी वर्षों से झेल रही है। मुरादाबाद की जिला जेल शायद उत्तर प्रदेश में अकेली ऐसी जेल है जो तीन जनपदों के बंदियों का भार झेल रही है। हालांकि संबल और अमरोहा जनपद में नई जेल बनवाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है, लेकिन आज तक कहीं भी कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई। जिला जेल में चल रही दिक्कतों को देखते हुए जेल डीआईजी लव कुमार आज जेल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक बंदियों को रखा जाना ही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। देखिए, कमियां तो मैं सच नहीं कहूंगा, लेकिन जो यहां की सबसे बड़ी समस्या है वो है ओवरक्राउडिंग की। जो हमारी जेल की क्षमता है उसके कई गुना अधिक बंदी यहाँ पर निरुद्ध हैं, और जिला संभल और जिला अमरोहा दो नए जिले बन चुके हैं, लेकिन अभी दोनों ही जगह जेल नहीं बन पाई है। तो आज एक्चुअली मैं अमरोहा सुबह गया था, मुख्य उद्देश्य जो मेरा था वहाँ जो अभी जेल के लिए जगह प्रस्तावित है उसको देखने का, और उसमें जो कुछ चीज़ें डिस्कशन के लिए रह गई थी उस काम को पूरा करने का। हम लोगों का प्रयास ये है कि अमरोहा में जगह जल्दी से फाइनल करके और वहाँ पर भी नई जेल जल्दी से बनाई जाए, ताकि यहाँ से ओवरक्राउडिंग की समस्या थोड़ी कम हो। यहाँ के लिए भी जो नई जगह एक देखी गई है उस पर भी काम चल रहा है। तो कुल मिला के मतलब मैं ये कहूँगा कि अंदर बाकी तो व्यवस्थाएँ सब संतोषजनक हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था, खाने की गुणवत्ता और बाकी तमाम चीज़ें जो मेरी अंदर कैदियों से बात हुई, सबसे बड़ा इशू केवल ओवरक्राउडिंग का है, जिसका हमें समाधान करना है।